पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल तेज है। ऐसे में राजनीतिक दल जनता को साधने के लिए ताबड़तोड़ कोशिशों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर में एक रैली की, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में, देखिए ये रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। 5 राज्यों में से राजनीतिक दलों की सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां बीजेपी जहां टीएमसी का किला गिराने की कोशिश में है, तो वहीं टीएमसी बीजेपी को जीत दर्ज नहीं करने देना चाहती है। इसके साथ ही कांग्रेस और वाम दल भी कड़ी चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में आज सीएम ममता बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर में एक रैली की, जहां उन्होंने अपने संबोधन में बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी को विदाई दे दीजिए, हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते, हम दुर्योधन और दुशासन नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ता जो पार्टी से टिकट वितरण को लेकर पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उन्हें भी साधने की पूरी कोशिशें की, जिसके चलते उन्होंने कहा कि बीजेपी ने टीएमसी से बगावत करने वालों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिए, पार्टी के पुराने नेता घर में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने सहानुभूति का कार्ड भी खेला, जिसके चलते नंदीग्राम में हुए ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर उन्होंने कहा कि पहले मेरे विरोधियों ने मेरे सिर में चोट मारी और अब मेरा पैर घायल कर दिया, लेकिन मैं भी योद्धा हूं। अब ममता बनर्जी तो अपने आप को योद्धा बता रही हैं, लेकिन ये तो 2 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी राज्य में असल योद्धा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।